चर्चा करते हैं, आर्टिकल 244 में यह चर्चा करते हैं, वे ही नहीं झुलसेगा। किसी गांव में एक घर में आग लगती है तो सिर्फ एक ही घर नहीं जलता, पूरा गांव जल जाता है। और पूरा गांव जलता है तो तहस नहस हो जाता है। तो हमें इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। और जिस ढंग से जनगणना में हेल्थ सिनेरियो दिखता है, एजुकेशन सिनेरियो दिखता है, जो परिणाम हमारे सामने हैं, कई रिपोर्ट, कई बार ऐसे ऐसे कोशिशें हुई है, स्पेशल कमिटियां बनी है, उन कमिटियों के माध्यम से रिपोर्ट आया है और हम सिर्फ रोना रोए हैं, अपनी विवशता जाहिर किया है। अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन में ईमानदारी होना चाहिए। वास्तव में आज आपके पास में बैकलॉग है, क्यों? क्योंकि पात्रता आपने तैयार नहीं किया। रिजर्वेशन के नाम से जो पात्रता तैयार करने की जिम्मेदारी है उसको आपने पूरा नहीं किया। और जहां पूरा किया वहां आपने ऐसा पॉलिसी कोशिश की कि वो 3 साल तक वैकेंट रहेगा तो फिर हो जाएगा, बाकी फिनिश हो जाएगा, उसको फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी, वो उनका जो अवसर है वो समाप्त हो जाएगा। और इसी तरीके से यह बदस्तूर जारी है। पंडित नेहरू जी ने इस देश में जनजातियों की कुछ बातों को समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि इस देश में इन्वेस्टमेंट पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, आउटकम पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचशील की नीति पर काम होना चाहिए, इस बात को ध्यान नहीं देना चाहिए कि उस पर खर्चा कितना हुआ, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसको लाभ कितना मिला। आपने उसको कैरी किया? कभी उसकी चर्चा की? हमने तो नेहरू के उन बातों का भी ख्याल नहीं रखा। और आप कहते हैं हम तो खानदानी कांग्रेसी है। आप कहते हैं बड़ा दम भरते, आश्चर्यजनक है। पंचशील की नीति अगर आप सही ढंग से इंप्लीमेंट किए होते तो आज देश की आदिवासियों की यह दुर्दशा नहीं होती। उसको भी आपने नहीं माना और वैसे लोगों के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे, उन्हें उग्रवाद की तरफ मत धकेलिए। मेरा विनम्र प्रार्थना है उसको ताकत, उसकी ताकत को समझने की हम कोशिश करें, उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, इसी बात को दोहराया था कि यदि आप इस देश में डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करना चाहते, लागू करना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी आए, तो सबसे पहले यू लर्न फ्रॉम द ट्राइबल हु मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल इन द वर्ल्ड, जिसको उन्होंने जिक्र किया था इस हाउस के अंदर और कहा था कि उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझने का काम करिए। पेड़ों और जंगलों में रहने वाले लोग मनुष्य से ही सिर्फ अधिकार नहीं मांगते, मनुष्य से ही परमिशन नहीं मांगते, पेड़ पौधों से मांगते हैं। हल जोतने से पहले खेत में जाकर के मांगते हैं कि यहां अन्नदाता है आप, हम हल जोतेंगे, आपको कष्ट होगा लेकिन आपकी उर्वरा से मेरा पेट अनाज भरेगा, मेरा उदर भरेगा, इसलिए हमें अनुमति दीजिए। तब वो हल जोतता है और उससे खेती करता है, अनाज पैदा करता है और उस अनाज से अपना जीवन भरता है। वैसे सरल और सादगी जीवन वो आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की और हर तरह से कोशिश की है, सिर्फ एक तरफ से नहीं है। आपने एक तरफ ये बजट प्रोविजन किया है कि इतना राशि हम बजट में दे रहे हैं लेकिन उसको ध्वंस करने के लिए कितना राशि दे रहा है इसका हिसाब किताब करिए, उस क्षेत्र में कितना पॉल्यूशन फैलाने का पूरा उपाय कर रहे हैं उसको देखिए, वहां के जो कस्टमरी सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए कितना आप खर्चा कर रहे हैं उसको देखिए। तमाम धारा कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में 10 जगह, चाहे वो आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 164 हो, आर्टिकल 244 हो, 245 हो, सब में आपने इस बात का जिक्र किया है।
कि किसी बात के होते हुए भी इसको प्रोटेक्शन देना है, उसको आरक्षण करना है, इनके भावनाओं को, इसके अधिकारों को सुरक्षित करना है। लेकिन उसके ऊपर में आज आप फिफ्थ शेड्यूल एरिया में भी कभी कभी चर्चा करते हैं कि उसको छेड़छाड़ करें, क्योंकि उसके माध्यम से आपको मौका नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया समता जजमेंट आंध्र प्रदेश के मामले पर कि जनजातीय समाज में, क्योंकि जनजातीय समाज जंगलों में जरूर रहता है, पेड़ पौधों के बीच में जरूर रहता है, लेकिन वो गरीब नहीं है, गरीब हमने उनको बनाया है, हमारी व्यवस्था ने बनाया है। जहां भी जंगल है वहां उसका मालिकाना, वहां पर खनिज पदार्थ है, और वो खनिज पदार्थ सिर्फ हल्के नहीं है कि कहीं चूना पत्थर मिलता है, लोहा सोना चांदी अभ्रक कोयला यूरेनियम सारा चीज अगर आप देखें तो वही जंगलों में मिलता है जहां आदिवासी और आदिवासी का दिल बसता है, जहां आदिवासी रहते हैं वहीं पर वो सारी चीजें मिलती है। तो ये लोकेशनल बैकग्राउंड मैंने बैकवर्डनेस जो है वो जंगल होने के कारण नहीं है, वो उनको उनका मालिकाना समता जजमेंट को आपने कभी भी किसी स्टेट को इस बात के लिए ये नहीं किया कि किस ढंग से वो काम करे, किस ढंग से वो करे कि वो उसका अधिकार केंद्रित हो, उसका अधिकार उनको मिले। आपने उसका माखोल उड़ा दिया, वो फैसला फैसला ही रहा, वो फैसला का आगे कुछ हो नहीं सका। हम मंत्री जी से ये कहेंगे कि आदिवासी परिवार से ही है, मेरुदंड सीधा करिए और कोशिश करिए कि इन सारे चीजों को कैबिनेट में बोलिए कि इसका पॉलिसी क्या होगा, हिम्मत से बोलिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, बोले नहीं करेंगे यह काम, क्योंकि आपके ऊपर में लोगों का जिम्मेदारी है, और अगर आप नहीं करिएगा तो आपको भी घुसने नहीं देगा जंगल में, कठिनाई होगी। आज यह स्थिति है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसलिए चर्चा तो बहुत था लेकिन आप बीच में हमको बोल करके थोड़ा सा ब्रेक मारती है। मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करूंगा, एक छोटा नागपुर लिटिल नॉन प्रोविंस एक 1903 में बुक पब्लिश हुआ था, उसे सिर्फ फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, इसको आप देखिए। और आज जो फोटो छपी है अखबारों में उसको भी देखिए कि उसमें कितना बदलाव आया है, और इसमें जो लिखा है उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा कि किस ढंग से यहां पर लोगों ने खेल खेलने की कोशिश की है, जनजातीय चरित्र को बदलने की लोगों ने कोशिश की है। यह बेडली बर्ट अंग्रेज राइटर ने लिखा है 1903 में, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि किस ढंग से यहां पर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट का यह मतलब नहीं है कि उन्हें बदल दिया जाए, उन्हें उनके आधार पर जीने का अवसर मिलना चाहिए, और उन्हें यदि उनके आधार पर जीने का अवसर नहीं मिल रहा है तो उसका आजादी का मतलब नहीं निकलता। ये तो छपा था परसों के अखबार में, कल के अखबार में, ये है एक झारखंड का दृश्य है और भी कई प्रदेशों का दृश्य है। 100 साल बाद भी फोटो में कितना कितना मेंटेन किया है, उस समय से आज तक मेंटेन किया फोटोग्राफी, और यदि कोई चीज बदलाव लाया है तो आज बदस्तूर उस बात का जा रहे हैं। हम इस बात को कहते हैं कि भाई कोई आदमी यदि अपने मन से स्वीकार करता है कि देश की स्वतंत्रता, देश की सार्वभौमिकता यह कहता है कि स्वीकार करे, लेकिन जिस ढंग से लिखा है इस बुक में, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देयर इज ओनली वन लास्ट बिट ऑफ स्कैटर्ड रांची ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट द इंग्लिश जर्मन एंड रोमन कैथोलिक मिशंस विच हैव वर्क्ड विथ सच ए वंडरफुल सक्सेस ओवर लार्ज डिस्ट्रिक्ट इन छोटा नागपुर ऑल हैव देयर हेडक्वार्टर्स हियर फोर लुथेरियन मिनिस्टर सेंट आउट बाय पास्टर गॉसनर ऑफ बर्लिन इन 1845 where the pioneers of missionaries enterprises arriving in Ranchi they started work among the coals laboring for 5 years before a single convert was made 5 saal ke baad ek aadmi ko mila ki wo
कन्वर्ट हुआ कन्वर्ट हुआ हाउ एवर वंस बिगेन देयर नंबर्स रैपिडली इंक्रीज अंटिल इन 1869 देयर वर अबाउट 10,000 नेटिव क्रिश्चियन टू बी फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट. ये मैंने नहीं लिखा, हमारे खानदान के किसी ने नहीं लिखा, किसी आदिवासी ने नहीं लिखा. ये 1903 में बेडली बर्ट ने इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा. वायसराय ने इसमें नोट लिखा है, एक्नॉलेज किया है. और किस ढंग से संस्कृति पर प्रहार हुआ है इसका आश्चर्यजनक. क्या चाहते हैं, जंगलों में आवाज नहीं करे तो क्या करेंगे. न्योगी कमीशन, न्योगी कमीशन, कई इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चर्चाएं आज हम सारे लोग सुनते हैं. इसलिए आदिवासियों को आदिवासी की तरह जीने का अधिकार मिले, यही कहने के लिए सभापति महोदय आपके बीच में हम खड़े हैं. और यही अंत में यही कहेंगे, चर्चा बहुत सारी चीजों की करनी थी लेकिन समय की पाबंदी है. आप अगर फिर मुझे मौका देंगे तो मैं अधूरे बात को फिर से कहूंगा. मैं इस समय इतना ही कहूंगा. मैं सिर्फ इतनी ही बातें कहूंगा. Nobody else will get a chance. You can take five more, but then I won't give anybody a chance. Please keep in mind, I had told you first. Our first minute, right? You continue. There are other people also who want to say something. Please. मैं ज्यादा नहीं कहूंगा. Go ahead. सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतनी बातें कहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की बात की थी 100 साल पहले, 1909 में कहा था. उस हिंद स्वराज की जो प्रकृति थी वो जनजातीय जीवन पर आधारित थी. उस जनजातीय जीवन जो आदर्श भारत की कल्पना थी उसमें, उसका यदि हम करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार नीड बेस्ड बजट बनाए और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे. ये फॉर्मेलिटी नहीं करे कि मैं राज्यों को पैसा भेज दिया, ये पेपर प्रोग्रेस न दिखाए. ये मेरा सुझाव है. नहीं तो ये पेपर प्रोग्रेस प्रॉक्सी रूलिंग में दिखाई दे रहा है आज के दिन में. ये प्रॉक्सी रूलिंग मोस्ट डेंजरस. ये बात मैं सुझाव के तौर पर देना चाहता हूं क्योंकि मैं हकीकत के बारे में आपको बताना चाहता हूं. क्या जनजातीय समाज में 1000 में से 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, 82 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं. यह उसकी हेल्थ की स्थिति है. इसके साथ साथ ही उस जो बचते हैं उसमें से 126 बच्चे 5 वर्ष की आयु पूरा नहीं करते. वो 5 वर्ष की आयु पूरा करते करते मर जाते. पता नहीं मैं मरते मरते कैसे बचा जो यहां आया हूं. इसके साथ साथ ही जो बच्चे बच जाते हैं, 55% बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं. उसमें से जितने बच जाते हैं कुपोषण, ये आंकड़े हैं आपके, भारत सरकार के आंकड़े पर मैं कह रहा हूं, मेरा आंकड़ा नहीं है. और इसके साथ साथ ही